Good morning to all of you. Welcome back to the KD classes. Now today we will study about a remaining part of electric flux. कल हमने electric flux के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से electric flux किन किन physical quantities के ऊपर depend करता है. तो हमने देखा था वहाँ पे एक तो electric field की intensity flux को affect करती है, एक area और एक उन दोनों के बीच का angle. तो चलिए थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं इसमें. तो क्या देखने को मिल रहा है कि फ्लक्स का फॉर्मूला हमने ये किया था कल, E डॉट A, या कह सकते हो कि E A cos थीटा. मैंने आपको बताया था कि एंगल के ऊपर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है. अब बात ये आती है कि अगर हमारे पास सिर्फ एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो, यानी एक फिक्स वैल्यू हो इलेक्ट्रिक फील्ड की और फिक्स वैल्यू हो एरिया की, या एंगल एक फिक्स हो दोनों के बीच का, तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं. उस ई की वैल्यू रखेंगे, ए रखेंगे, कोस थीटा एंगल रखेंगे और हम सॉल्व आउट कर देंगे. लेकिन आज जो मैं करवाने जा रहा हूँ, इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, आज जो होगा वो ये है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो, यानी हमारे पास बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज हैं, अलग अलग एंगल हैं, तो क्या इस फॉर्मूले से हम, इस सिंगल स्टेप से हम निकाल सकते हैं, हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे, हमारे पास तो बहुत सारी हैं. तो आज हम करेंगे कि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड जब आ जाती है या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जब यूज होती है, तो हम किस तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट करेंगे, क्या फॉर्मूला बन के आएगा. तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास इस तरीके की कोई एक मटेरियल है, ठीक है, कोई कपड़ा ले लिया और उस तरीके से लहरा रहे, और यहां मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको मालूम है. इस पॉइंट पर देखिए, इस पॉइंट पर ऑब्जर्व कीजिए, इस पर कीजिए और इस पर कीजिए, ध्यान से देखिए. यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो आर वन ले लिया मैंने, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कुछ अलग है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस फिर से अलग हो गया, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस. जब डिस्टेंस अलग अलग हो रहा है तो आपको मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी अलग अलग आएगी. क्यों, किस तरीके से, हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है ये सेकंड चैप्टर में कि E इनवर्सली वेरी करती है R के ऊपर, यानी अगर R चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगी. तो मान लीजिए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, ठीक है, तो क्या इस वाले फॉर्मूले से मैं इसका फ्लक्स निकाल सकता हूं, क्योंकि यहां पे तो हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग अलग है और एंगल भी अलग अलग है. तो एंगल हम किस तरीके से निकालते हैं, देखिए, हम एज्यूम कर लेते हैं कि इस पॉइंट पर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट मैंने ले लिया, ठीक है, इस पूरे मटेरियल का एक छोटा सा एरिया एलिमेंट. तो यहां पर इसके एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, कल हमने डिस्कस किया था कि एरिया की डायरेक्शन क्या होती है, प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है एरिया की. तो देखिए, प्लेन ऐसा है, लाइक दिस, और इस प्लेन के ऊपर ये एंगल नॉर्मल है, कुछ एंगल बना, यहां पर देखिए प्लेन ऐसा है, यहां पर देखिए, अगर यहां मैं छोटा सा करंट एलिमेंट लेता हूं तो यहां पर इस प्लेन का परपेंडिकुलर ही आ रहा है, यहां कुछ अलग एंगल आ रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है. यहां पर अगर मैं इसको छोटा सा एरिया एलिमेंट तोड़ू तो इस प्लेन का परपेंडिकुलर ये जा रहा है. यहां पर एंगल देखो, यहां पर एंगल देखो, यहां पर एंगल देखो, ये दोनों एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं, तो यहां पे एंगल कितना हो रहा है, जीरो. यहां पे कुछ अलग एंगल आ रहा है, यहां पे कुछ बड़ा एंगल बन रहा है, यहां पे और बड़ा एंगल बन रहा है. तो हर एक पॉइंट पर एंगल भी अलग अलग है, हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग अलग है, हर एक पॉइंट का डिस्टेंस भी अलग अलग है सोर्स से. तो इस वाले फॉर्मूले से हम ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं निकाल सकते. जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, उससे आप क्लियर कर दोगे. प्लस वन में आपने पढ़ा होगा कि मान लीजिए एक कार है, ठीक है, उस कार का इंजन, और उस कार को क्या है कि 5 मीटर दूर जाना है. समझिए इस एग्जांपल को, अगर ये एग्जांपल समझ में आ गया तो इसका फंडा समझ में आ जाएगा आपको. एक कार है, कोई भी एक व्हीकल है, उसका इंजन उसके ऊपर 100 न्यूटन फोर्स लगाता है, वो 1 मीटर चली जाती है. अगले 1 मीटर जाने के लिए इंजन फिर से 100 न्यूटन लगाएगा, फिर 100 न्यूटन लगाएगा 3 मीटर, फिर 100 मीटर लगाएगा 4 मीटर, फिर 100 न्यूटन, सॉरी, फोर्स लगा रहा है ना, तो न्यूटन लगा रहा है.
तो स्टार्टिंग में 100 न्यूटन फोर्स लगाई, 1 मीटर चला, फिर 100 न्यूटन फोर्स लगाई, 2 मीटर चला, फिर 100 न्यूटन फोर्स लगाई, 3 मीटर चला, तो ऐसे चलते चलते 5 मीटर तक वो चला। तो अगर मैं कहूं कि वर्क डन कैसे फाइंड आउट करोगे, तो आपको मालूम है जैसे ये है, ये एक गाड़ी है, यहां से यहां चली 1 मीटर, फोर्स कितनी लगाई 100 न्यूटन, फिर यहां से यहां चली 1 मीटर, फोर्स कितनी लगाई इतना। अब आपको शायद और ज्यादा इजीली समझ में आ रहा होगा, मतलब हर एक मीटर ट्रैवल करवाने के लिए इंजन कितनी फोर्स लगा रहा है 100 न्यूटन। अगर मैं टोटल वर्कडन फाइंड आउट करूं तो वर्कडन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो क्योंकि हर एक जगह फोर्स की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। तो फोर्स हो गई 100 और डिस्टेंस टोटल कितना 5 या 4 जितना भी है 500 जूल आ गया, सिंपल एक फॉर्मूले से, ठीक है ओके। लेकिन अब अगर मैं व्हीकल की बजाय एक स्प्रिंग ले लूं, या अगर आप इसी एग्जांपल से समझना चाहते हो तो मान लीजिए एक स्प्रिंग है, उसको भी 5 मीटर तक हमें दबाना है। तो स्टार्टिंग का जब मैं 1 मीटर उसको दबाता हूं, तो मैंने मान लीजिए 5 न्यूटन फोर्स लगाई, 1 मीटर दब गई, कंप्रेस हो गई, फिर 1 मीटर दबाने के लिए मेरे को ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, 10 न्यूटन लगाई मान लीजिए, फिर 1 मीटर उसको दबाने के लिए और ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। प्रैक्टिकल काम आप करके देख सकते हो कि जैसे जैसे हम स्प्रिंग को दबाते हैं वैसे वैसे हम फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ती है हमें फोर्स, ठीक है। उसी हिसाब से मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ आपको कि एक स्प्रिंग है, उसको मैंने दबाया, मैंने फोर्स लगाई, मैंने उसको और दबाया तो मुझे और ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ी, तीसरे मीटर के लिए मुझे और ज्यादा फोर्स लगानी पड़ी, चौथे मीटर के लिए मुझे और ज्यादा, ऐसे करते करते मैंने उसको 5 मीटर तक दबा दिया और हर एक मीटर पर मुझे फोर्स बढ़ानी पड़ रही है। तो क्या उस केस में हम W is equal to Fs लगा सकते हैं? अरे हर जगह फोर्स अलग अलग है तो मैं कौन सी फोर्स लूंगा, तो सिंगल स्टेप से तो नहीं निकल सकता ना। तो हम प्लस वन में क्या करते थे, जब वेरिएबल फोर्स एक्ट करती है किसी भी मटेरियल के ऊपर तो हम कौन सा मेथड लगा के वर्क डन निकालते थे, कुछ याद आया आपको? देखिए हम क्या करेंगे कि जब भी वेरिएबल फोर्स होती थी तो प्लस वन में हम करते थे कि उस डिस्टेंस को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लेते थे, ठीक है, और हर एक हिस्से का वर्कडन निकाल लेते थे और सभी वर्कडन्स को जोड़ देते थे, टोटल वर्कडन आ जाता था। समझे भाई, 5 मीटर है तो उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लिया और हर एक हिस्से का मैंने, जैसे ये है टोटल, ये टोटल है एस, तो मैं क्या करूंगा इसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दूंगा, ये हो गया डीएस 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 लाइक दिस, और हर एक हिस्से का वर्कडन निकाल लूंगा। अब आपको मालूम होना चाहिए कि स्मॉल डिस्टेंस में ट्रेवल करवा रहा हूं तो स्मॉल वर्कडन आएगा डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू एंड सो ऑन, और सभी डी डब्ल्यू को अगर मैं जोड़ दूंगा तो हमारा टोटल वर्कडन आ जाएगा, ठीक है। जोड़ने का ही क्या बोलते हैं फिजिक्स के अंदर, कि इंटीग्रल कैलकुलस मेथड की हम सहायता लेते हैं यहाँ पे, जिसको हम क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन मेथड, टोटल करने के लिए, समीशन करने के लिए, ये आपने पढ़ा है प्लस वन में, ठीक है। तो यहाँ पे दो कंसेप्ट समझ में आए आपको, कि जब एक फिक्स फोर्स होती है हमारे पास, एक कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है, तो हम डायरेक्ट मेथड लगा के एक स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब अलग अलग फोर्स दी जाती है, वेरिएबल फोर्स होती है, नॉन यूनिफॉर्म फोर्स होती है, तो हम किस तरीके से उसको सोल्व करेंगे, हम स्मॉल स्मॉल एरिया का वर्क डन निकाल लेंगे, स्मॉल स्मॉल डिस्टेंस को लेके उसका वर्क डन निकाल लेंगे और फिर सबको लास्ट में ऐड कर देंगे। इसको बोला जाता है कैलकुलस मेथड यानी इंटीग्रेशन मेथड। तो याद रखना, इफ कॉन्स्टेंट फोर्स हो तो सिंपल मेथड लगाएंगे W इक्वल टू Fs, सॉल्व इट, खत्म। और जब वेरिएबल फोर्स हो तो कौन सी मेथड लगाएंगे हम, कैलकुलस मेथड। जैसे कि मैंने डी डब्ल्यू निकाला, फोर्स लगाई और डिस्टेंस कितना लिया ds। अब ऐसे ही मैं सभी डिस्टेंस का वर्कडन निकाल लूंगा डी डब्ल्यू ऐसे ऐसे करते, तो टोटल वर्कडन कितना आएगा, इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा, इसकी वैल्यू जब मैं रखूंगा f इंटू ds, तो w कितना आया
इंटीग्रल ऑफ एफ इंटू टी। ये था मेरा दूसरा एग्जाम्पल आज का, आपको जस्ट ये समझाने के लिए कि अगर वेरिएबल वैल्यूज आ जाती है, अलग अलग वैल्यूज आ जाती हैं, तो हम कौन से मेथड की हेल्प लेके वो सॉल्व आउट करेंगे, कैलकुलस मेथड की। ये हमेशा याद रखना, पूरी फिजिक्स में काम आएगा ये, कि इंटीग्रेशन मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये जो मैंने एग्जाम्पल समझाया है, ये हमें अपने ओरिजिनल वाले जो मेथड उसमें यूज करना है। तो देखिए इसमें किस तरीके से मैं फ्लक्स निकाल पाऊंगा, अगर मेरे पास अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है, अलग अलग एंगल्स हैं, अलग अलग डिस्टेंस है, तो मैं किस तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला बना पाऊंगा। तो सिंपल सी बात है, इस एरिया का, इसको मैं मानता हूं डी एस, ठीक है, यहां का एरिया डी एस, यहां का डी एस, यहां का डी एस। डी एस का मतलब क्या होता है कि स्मॉल डिस्टेंस, स्मॉल एरिया ले लिया उसका, एरिया एलिमेंट, ठीक है, पूरे का छोटा सा हिस्सा। मान लीजिए इस पूरे का क्या है एरिया, जो भी हमने मटेरियल ले रखा है, इसका पूरा सरफेस एरिया एस है, तो मैंने उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लिया डीएस में। तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड ये इंटू डीएस इंटू एरिया, मतलब यहां पे क्या है डीएस है, क्लियर, और कोस थीटा, जो भी इसका थीटा होगा। अब देखिए स्मॉल डिस्टेंस में ले रहा हूं, स्मॉल एरिया में ले रहा हूं, तो स्मॉल ही फ्लक्स क्रिएट होगा। जैसे स्मॉल डिस्टेंस लेने पे स्मॉल वर्क डन हुआ, ऐसे ही स्मॉल एरिया लेने पे स्मॉल फ्लक्स क्रिएट हुआ, छोटा एरिया कम फ्लक्स, वही चीज। ऐसे इसका निकाला इस तरीके से, इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं, इस तरीके से, लाइक दिस। चलिए बाद में देखते हैं, पहले अपना सिंपल तरीका करते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब मुझे क्या करना है कि पूरे मटेरियल का अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहूंगा, तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या कर देंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन ईडीएस कोस थीटा, या फिर ई डॉट डीएस। ये हम पूरी फिजिक्स में, यानी आगे आने वाले इस के ऊपर जितने भी टॉपिक्स बनेंगे, जितने भी डेरिवेशन या न्यूमेरिकल आएंगे, उसमें यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है। और ये फॉर्मूला कब यूज किया जाता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पर अलग अलग हो और हर एक पॉइंट पर एंगल अलग अलग होता है, तो उस समय मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, इंटीग्रल मेथड का। और ये कहां से समझ, इसको रटना नहीं है, इसको प्लस वन में आप पढ़ चुके हो, ठीक है, फिर भी मैंने एक बार रिकॉल करवा दिया वर्क डन वाला एग्जांपल लेके, ठीक है। तो ये हमारा आज का पहला स्टेप था कि किस तरीके से हम वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए, वेरिएबल एंगल्स आ जाए, तो आप एक स्टेप में सॉल्व नहीं कर सकते, आपको इंटीग्रेशन मेथड यूज करना पड़ेगा। चलिए अब दूसरे स्टेप पे हम आते हैं, दूसरा स्टेप है हमारा कि क्लोज सरफेस क्या होता है, क्लोज सरफेस। तो देखो जो, जैसे मैंने ये एक डब्बा लिया है यहां पे, जो चारों तरफ से पूरी तरह से बंद हो, जो चारों तरफ से कंप्लीटली क्लोज हो, उसी को बोलते हैं क्लोज सरफेस। चलिए मतलब जहां से हम चलते हैं वहीं से घूम के उसी पॉइंट पर हम पहुंच जाते हैं विदाउट एनी ब्रेकिंग, तो वो एक क्लोज सरफेस कहलाता है। अगर मैं इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहूं इस क्लोज सरफेस का, तो आपको ध्यान से समझिए, ये एग्जांपल आपको क्लियर कर देगा। ये यहां पे रखा हुआ है मान लीजिए, ठीक है, ये देखिए, ये इस तरीके से, ठीक है, ये डब्बा रखो, और मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है और ये ऐसे रखा हुआ, तो क्या आप फ्लक्स का वो पहले वाला मेथड, पहला जो हमारा फॉर्मूला था ई ए कोस थीटा, क्या ये फॉर्मूला लगा के आप इसका फ्लक्स निकाल सकते हो, बिल्कुल भी नहीं।
तो कौन सा मेथड लगाएंगे, क्यों नहीं लगा सकते हम, क्योंकि ये देखिए जरा, ये यहां पे रखा हुआ है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, ठीक है। तो इस वाले हिस्से पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए और इस वाले हिस्से पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या सेम होगी, बिल्कुल सेम नहीं होगी। जैसे ये एक फिक्स कर रखा है और यहां एक सोर्स है, तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक आएगी और यहां से यहां तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, साफ तौर पे मालूम चल रहा है डिस्टेंस अलग अलग हो गया। इस फेस का डिस्टेंस देखिए, इस फेस का डिस्टेंस देखिए सोर्स से, अलग अलग है। तो सिंपल सी बात है, यहां पर लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां पे लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है। यहां पे लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे और यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, सभी की सभी इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगी और एंगल भी अलग अलग होगा। क्यों, क्योंकि एंगल किसके बीच में बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। तो जरा देखिए, एरिया वेक्टर एक बार फिर से करवा देता हूं कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। जैसे मैंने समझाया था, ये फेस है ऊपर वाला, इस पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड ऊपर की तरफ। इस फेस पर किधर होगी, इस तरफ। इस फेस पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड नॉर्मली। नीचे वाले फेस पर आउटवर्ड नॉर्मली और इस वाले फेस पे नॉर्मली आउटवर्ड। तो एंगल की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है और इसका एरिया वेक्टर ऐसे जा रहा है, तो इस पॉइंट पर, इस वाले फेस पर एंगल कितना हुआ, 180। यहां की अगर मैं बात करूं, इसका एरिया वेक्टर उधर जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर जा रही है, यहां पर एंगल जीरो हो रहा है। तो वही तो मैं समझा रहा हूं कि इस क्लोज सरफेस का हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हम निकालेंगे, तो हर एक फेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है, एंगल अलग अलग है। तो हम ये वाला मेथड यूज नहीं कर सकते, हमें कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन मेथड, कैलकुलस मेथड। तो किस तरीके से हम सोल्व करेंगे उसको, चलिए देखते हैं। मैं एक क्लोज सरफेस बनाता हूं, ये मैंने क्लोज सरफेस बनाया, इससे आप समझो कि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस वाले फेस पर एरिया वेक्टर किधर होगा, इस तरफ होगा। तो इस वाले फेस पर एंगल कितना बन रहा है, 180। इस वाले फेस पर देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका परपेंडिकुलर भी इधर होगा, जैसे कि मैंने समझाया, इसका परपेंडिकुलर भी बाहर की तरफ होगा, दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री। इस वाले फेस पर देखें तो इसका नॉर्मल ऊपर आएगा, परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो यहाँ कितना बन रहा है, 90 डिग्री। यहाँ पर नीचे की तरफ एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, एंगल 90। इलेक्ट्रिक फील्ड की तो फिक्स डायरेक्शन है, हर एक फेज में उस तरफ जा रही है, राइट साइड, ठीक है। तो आपको नजर आ रहा है कि हर एक फेज का हमें क्या करना पड़ेगा। अब मैं क्या करूंगा, जैसे कि मैंने समझाया था कि भैया अगर एक क्लोज सरफेस है और उसका आप सिंपल मेथड से इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं निकाल सकते ना, तो उसको आप छोटे छोटे सरफेस एरिया में तोड़ दीजिए। तो देखिए, इस पूरे क्लोज सरफेस को मैं 6 हिस्सों में तोड़ देता हूँ। क्यों, इसके 6 फेस हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसको 6 अलग अलग प्लेन सरफेस में मैं तोड़ देता हूँ। हर एक प्लेन सरफेस का अलग अलग फ्लक्स निकालेंगे और उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, आंसर। तो पजल होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिंपल लैंग्वेज में सिंपल कंसेप्ट आपको करवाया जा रहा है कि अगर एक क्लोज सरफेस है, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसकी हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अलग अलग हो, एंगल अलग है, तो हम कैलकुलस मेथड का यूज करेंगे। किस तरीके से, उस क्लोज सरफेस को हम तोड़ देंगे जितने भी उसमें फेसेस होंगे, ठीक है। तो इस फेस का अलग निकाल लेंगे, इस फेस का अलग निकाल लेंगे, ऊपर वाले फेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स अलग निकाल लेंगे, नीचे वाले का अलग निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए, तो कौन सा फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं, देखिए फ्लक्स क्या होता है, EdS cos थीटा। क्लोज्ड अगर सरफेस है, तो अब मैं ये लगाने जा रहा हूं,
इस सिंबल का मतलब होता है क्लोज्ड इंटीग्रल, यानी क्लोज्ड सरफेस को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे। अब इसको मैं डायरेक्ट नहीं निकाल सकता, इसको क्या करना पड़ेगा, छह अलग अलग फेस में तोड़ना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, इसको तोड़ते हैं। ई पहले इस वाले फेस का निकाल लेते हैं, ई डी एस कोस थीटा, ये हो गया तुम्हारा एस वन के लिए। इसको एस वन मान लो, इसको एस टू मान लो, एस थ्री एस फोर, ये आप नाम अपनी तरफ से दे सकते हो, ठीक है। प्लस ई डी एस कोस थीटा फॉर एस टू, ठीक है। ऐसे ही हम सिक्स तक ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये मेथड हम यूज करते हुए इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस का इजिली हम निकाल सकते हैं। एक बात याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब पूरे क्लोज सरफेस की बात हो तो क्लोज इंटीग्रल लगाया जाता है, लेकिन अब मैंने यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल नहीं लगाया क्योंकि अब मैं उस क्लोज सरफेस को अलग अलग हिस्सों में तोड़ चुका हूँ, तो अब वो क्लोज नहीं है, इस हिस्से को अलग कर चुका हूँ, तो अब क्लोज इंटीग्रल यहाँ पे नहीं लगाना है आपको, ठीक है। यहाँ पे मेंशन हो जाएगा जिस भी सरफेस का आप निकालना चाह रहे हो और फिर सबको जोड़ दें। एंगल की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, जैसे ये 180 है तो यहाँ पे 180 हो जाएगा, ये 0 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा स्टेप था कि किस तरीके से हम क्लोज सरफेस को, जैसे यहाँ पे तो एक क्यूब लिया है मैंने, 6 फेस होते हैं, सीधी सीधी बात है। अगर मैं कोई और शेप का क्लोज सरफेस यहाँ पे लेता हूँ, तो जैसे स्क्वेयर है तो स्क्वेयर में 4 फेस होते हैं, तो 4 हिस्सों में तोड़ देना उसको इस तरीके से, ठीक है। कुछ अगर और क्लोज सरफेस आप लेते हो तो उसके अकॉर्डिंग जितने उसमें फेस है उतने ही फेसेस में उसको तोड़ दिया जाएगा और सबको फिर लास्ट में ऐड कर दिया जाएगा। ये आपको डिटेल और ज्यादा समझ में कब आएगा, जब इसके आप न्यूमेरिकल करके देखोगे, तो न्यूमेरिकल में आपको क्लियर होता जाएगा और आगे इसकी जो एप्लीकेशंस है वो आपको सब कुछ क्लियर करवा देगी, जो लॉन्ग आंसर टाइप्स क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो हमारा अगला स्टेप रहेगा इसमें, ठीक है। अब बात ये आएगी कि हमने जब इनको अलग अलग कर दिया तो अलग अलग करने की कंडीशन भी क्या होगी कि जब मैंने इस फेस को अलग कर दिया, जब मैंने इस वाले फेस को यहां से अलग कर दिया, सिर्फ इस फेस को देखिए आप, यहां एक पॉइंट रखा है तो इस फेस के ऊपर प्रेजेंट हर एक पॉइंट की यहां से दूरी सेम होगी क्योंकि फिक्स है ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हर एक पॉइंट पर सेम होगी इस फेस पर, तो फ्लक्स भी सेम होगा। तो कंडीशन ये है कि क्रॉस सरफेस को जब आप तोड़ते हो ना अलग अलग फेस में, तो उस फेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पर सेम होनी चाहिए, एंगल सेम होना चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल है, चलिए देखते हैं कि एग्जांपल लेके। मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया मैंने और इसके चारों तरफ एक ऐसा सरफेस एज्यूम कर लिया, ठीक है, इमेजिन कर लिया। अब हम देखेंगे क्या इसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, क्या ऐसा पॉसिबल होता है कि किसी सरफेस पर हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, हर एक पॉइंट पर एंगल सेम। तो वो ये जो सेंटेंस मैंने बोला है ना, क्या ऐसा पॉसिबल है, तो उसको मैं प्रूव करने के लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि एक पॉजिटिव चार्ज हमने लिया, उसके चारों तरफ एक क्लोज सरफेस हमने लिया है। अब जरा देखिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा लाइक दिस। आपको ये तो मालूम है, ये तो पढ़ चुके हैं कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, आउटवर्ड। अब इसके सरफेस पे देखिए आप, जैसे मैंने ये पॉइंट लिया, सोचना क्या करते हैं हम, पूरे सरफेस का जो ये स्फीयर मैंने लिया है, इसका सरफेस एरिया है एस, तो जहां भी हमें फ्लक्स निकालना हो, जहां भी ये क्लोज सरफेस है, तो क्लोज सरफेस के इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का मेथड क्या है कि उसके छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ लो। तोड़ लिया जी, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, यहां पर अगर मैं छोटा सा हिस्सा ये तोड़ता हूं तो यहां पर देखो ये प्लेन है ये रहा, और इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, इसको पूरे सरफेस का सरफेस एरिया एस है, तो इसको क्या मानूंगा डीएस, तो डीएस की डायरेक्शन क्या होगी, इस डीएस की डायरेक्शन क्या होगी, इसी के डायरेक्शन में होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की है। क्यों, क्योंकि ds की डायरेक्शन क्या होती है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, प्लेन के परपेंडिकुलर, दैट्स ऑल। तो दोनों के बीच में एंगल क्या बना, जीरो। यहां पर देखते हैं
तो यहाँ पर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लीजिए आप, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये जा रही है ऊपर की तरफ, यहाँ पर प्लेन ऐसा है तो इसका परपेंडिकुलर भी ये होगा, फिर से सेम डायरेक्शन में एंगल जीरो। चलिए यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर जा रही है, यहाँ पर एक छोटा सा हिस्सा तोड़ी है, प्लेन ऐसा है, इसका परपेंडिकुलर इसी डायरेक्शन में होगा, एंगल फिर जीरो, तो हर एक पॉइंट पर एंगल जीरो आएगा। और क्या इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है? बिल्कुल सेम है, क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी क्या है, ये रेडियस आर। और मैं बता चुका हूं कि जहां डिस्टेंस सेम होता है वहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होती है, तो ये हम कर सकते हैं। तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालोगे आप? फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, क्लोज सरफेस का, ई डी एस कोस थीटा। चलिए ई डी एस कोस, एंगल कितना है हर जगह? जीरो। और आपको मालूम कोस जीरो क्या होता है? वन। तो ये हो जाएगा E into ds, E बाहर आ जाएगा, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हर जगह। और ds का इंटीग्रेशन टोटल एरिया, टोटल एरिया कितना है स्क्वायर का? 4 पाई r स्क्वायर आ गया ना, वही E into a। तो ये और ज्यादा आपको समझाने का एक तरीका है। इतना सब कुछ मैंने बोला है, तीन चार स्टेप्स मैंने करवाए हैं अलग अलग, इन सब में कॉमन बात यह है कि बच्चों अगर वेरिएबल फोर्स आ जाती है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है, अलग अलग एंगल्स दिए रखते हैं, तो वहां पे आप कैलकुलस मेथड का यूज करोगे, ये समझाने का मतलब है मेरा। दूसरा ये है कि क्लोज सरफेस का जब आप फ्लक्स निकालते हो तो सबसे पहले उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लीजिए, ठीक है? तो ये आपका अगला स्टेप था, ठीक है? अब हम बात करते हैं आज के लास्ट स्टेप की, और ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपकी गॉस थ्योरम आएगी और उसकी एप्लीकेशंस, जो कि एग्जाम्स में हर साल पूछी जाती है 5 मार्क्स में। तो ये देखिए कि अगर मैं यहां पे दो चीज मैं कर रहा हूं, यहां पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है और यहां पे मैंने एक सरफेस रख लिया, क्लोज सरफेस, ठीक है? कैसा क्लोज सरफेस रखा है, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? ये तो वही बात आ गई जो अभी भी करवाई थी। ये रखा हुआ है, यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, यहां पर कितना होगा, यहां पर कितना होगा, यहां यहां कितना होगा। तो आपको मालूम है यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये थी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, तो यहां पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर और एरिया वेक्टर भी, एंगल कितना बन रहा है? जीरो। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे जा रही है, बट इसका परपेंडिकुलर तो ये होगा ना एरिया वेक्टर, तो एंगल कितना? 180। तो यहां का फ्लक्स कितना आएगा? ई डी एस कोस 180, कोस 180। अब देखिए यहां तो मैंने एक सिंगल फेस ले रखा है ना, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया कोस 180, कोस 180 माइनस 1, तो इसका ये फ्लक्स हो गया, इसका कितना आएगा? कोस 0 है, तो इसका ये हो जाएगा। ये देखिए इक्वल एंड अपोजिट जब मैं ऐड करूंगा तो 0 आएगा, अरे इस फेस का फ्लक्स और इस फेस का फ्लक्स को जब मैं ऐड करूंगा तो 0 ही तो आएगा, क्योंकि यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल बन रहा है तो माइनस में आया, यहाँ पे 0 डिग्री का एंगल बन रहा है तो पॉजिटिव में आया। ऊपर वाले की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे जा रही है लेकिन इसका एरिया वेक्टर ऊपर है तो 90, और ई ए कोस 90 कितना होता है? 0। तो ये बात हमेशा याद रखना, जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में 90 डिग्री का एंगल बनता है तो वहां पे फ्लक्स ऑटोमेटिकली 0 हो जाता है, उसको करने की जरूरत भी नहीं है, आगे आगे जब प्रैक्टिस करोगे तो आप समझ जाओगे। तो इस फेस पर 90 डिग्री है, इस फेस पर 90 डिग्री है, इस फेस पर 90 डिग्री है, इस फेस पर 90 डिग्री, ये चारों फेस का तो फ्लक्स 0 हो गया, इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव, तो इनको मैं ऐड करूंगा तो टोटल फ्लक्स कितना आ जाएगा? इसका टोटल फ्लक्स कितना आया? 0। तो एक तो ये है कि व्हेन ए क्लोज सरफेस इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो किस तरीके से आया? टोटल फ्लक्स 0 हो गया। और आज का लास्ट जो अब ये है कि एक क्लोज सरफेस है, यहां पे मैंने एक चार्ज रख दिया कि व्हेन ए चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड
इनसाइड द क्लोज, इनसाइड पहले क्या था कि मैंने इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था, अब मैं चार्ज को उठा के इसके अंदर रख रहा हूं, तो सोचिए क्या होगा, वो चार्ज पार्टिकल अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फैलाएगा, इधर क्या होगी, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये बाहर की तरफ और पीछे की तरफ ही होगी, ठीक है, सबकी बाहर होगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां होगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, 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 ठीक है, क्योंकि अंदर चार्ज पार्टिकल मैंने रखा हुआ है, तो क्लोज सरफेस के अगर अंदर की तरफ एक चार्ज पार्टिकल रखा होता है ना, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। अब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देख लेते हैं, इसके एरिया इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आपको मालूम है, इसी तरफ होगी, इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, इस तरफ होती है, तो यहाँ 180 डिग्री, यहाँ 0 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री, पक्का जी? नहीं, अब 90 डिग्री नहीं होने वाला। अब सोचिए जरा, अंदर जो चार्ज रखा है वो इस फेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर निकाल रहा है, बाहर की तरफ, और इस फेस का एरिया वेक्टर भी किधर होगा, बाहर की तरफ, एंगल कितना आया 0 डिग्री, थीटा कितना आया 0 डिग्री, पीछे वाले हिस्से पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, इसका एरिया वेक्टर भी इधर, यहाँ भी एंगल कितना आया 0 डिग्री, यहाँ भी एंगल कितना आएगा 0 डिग्री, और यहाँ भी एंगल कितना आएगा 0 डिग्री, ठीक है। अब देखो ये 180 क्यों लिया हमने, गलती कर दी ना, तो ध्यान दिया करो, ये थोड़ा सा जल्दबाजी नहीं, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है तो इधर ही इसका एरिया वेक्टर, तो यहाँ भी एंगल कितना आया 0, हर एक फेस पर एंगल 0 आ रहा है यार, जब अंदर की तरफ चार्ज पार्टिकल मैंने रखा, तो फ्लक्स कितना होगा, जब एंगल 0 आता है तो फ्लक्स कितना होता है, E ds cos 0 कितना आ जाएगा, E cos 0 1 ds and es, इसका भी es, इसका भी es, 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 टोटल फ्लक्स कितना आया बच्चों, 6 Yes. अब 0 नहीं आया, फर्क है कि टोटल फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस का किसके ऊपर डिपेंड करता है, कि उसके अंदर कितना चार्ज हमने रखा हुआ है। मान लीजिए एक चार्ज रखा हुआ है, एक चार्ज, और वो मान लीजिए 100 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ फैला रहा है, दो चार्ज रखूंगा 200 हो जाएगी, तीन चार्ज रखूंगा 300 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, तो इस तरीके से, तो इस तरीके से एक साइंटिस्ट था गॉस, जिसके नाम पर गॉस थ्योरम हम आगे पढ़ेंगे, तो गॉस थ्योरम में उन्होंने यही बताया कि ये जो मैं 100 200 300 ले रहा हूं ना, इनको उन्होंने एक स्पेसिफाई करके एक फिक्स नाम दे दिया कि एक कुलाम में ये नाम दे दिया, 1/ε0, क्या नाम दिया, कि एक कुलाम में कितना फ्लक्स निकलता है 1/ε0, ये जो मैं 100 200 ले रहा हूं ना, इसको एक स्पेसिफाई नाम दे दिया, दैट इज 1/ε0, तो क्यू कुलाम में कितना हो जाएगा बेटा, क्यू चार्ज रख दे तो अंदर हम, तो कितना हो जाएगा 1/ε0 इनटू क्यू, दैट इज q/ε0, दिस इज द गॉस थ्योरम, ये आप आगे पढ़ोगे, और ये आई कहां से है, ये इस कंसेप्ट के जरिए से आई है। तो ये था आज का आपका टॉपिक, ज़्यादा कुछ नहीं है, अगर इसको वैसे देखोगे तो बहुत ही लेंदी बन गया, लेकिन एक अगर इसको शॉर्टकट मेथड में देखा जाए तो कुछ भी नहीं करवाया मैंने आज, मैंने सिर्फ इतना बताया है कि आप एक क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकाल सकते हो कैलकुलस मेथड से, किस तरीके से उस क्लोज्ड सरफेस को आप तोड़ लीजिए अलग अलग हिस्सों में, ठीक है, सभी हिस्सों का फ्लक्स निकालिए और सबको ऐड कर दीजिए इंटीग्रेशन मेथड से, सिर्फ ये करवाया मैंने आज। और एक चीज ये बताई है कि किसी भी क्लोज सरफेस का कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ये डिपेंड करता है कि उस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज हमने रखा हुआ है, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक था, थ्योरेटिकल है, तो कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, आगे के टॉपिक्स बहुत इजी हो जाएंगे आपके लिए, आगे जितनी भी एप्लीकेशन सब मैं करवाऊंगा बहुत ईजी है, ना के बराबर एक तरीके से मैं ये कहूँगा, क्योंकि जब ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका है तो ये सारा कंसेप्ट उसमें यूज होने वाला है, किस तरीके से क्या होगा, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।